फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राज्यसभा ने विपक्ष से वॉकआउट किया, हेडलाइन ये चलाई जा रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार राज्यसभा के सभापति महोदय खुद हैं। आजकल राज्यसभा में लगातार बदजुबानी करना विपक्षी सांसदों के साथ से लेकर वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झिड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना, जिन भी ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष घिरता हुआ नजर आए लोगों को चुप करा देना आए दिन की बात हो चुकी है। कल वो विनेश फोगाट का नाम सुनकर बिफर गए, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कि धमकी देने लगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी को अराजकता फैलाने की बात कही जाने लगी। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि 50 साल के राजनीतिक जीवन के धनी एक व्यक्ति को कहा जाए कि आप अराजकता फैला रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये मर्यादित है? क्या ये उचित है? उसके बाद विपक्ष के रवैये को वायरस कह देना, ये लोकतंत्र में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इन शब्दों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? उसके बाद एक महिला सांसद ने जब आपकी टोन को टोका तो उससे कहा गया आप एक्टर हैं लेकिन मैं डायरेक्टर हूं। सबसे सर्वप्रथम तो इससे आपके अहंकार की बू आ रही है, और दूसरा ये नर्सरी नहीं है जहां पर आप बच्चों को बैठ के डायरेक्ट करेंगे। ये सदन है, ये सांसद है, आप सभापति हैं, आपका काम सदन को चलाना है। असलियत तो ये है कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो ये बार बार खाली बेंचेस के सामने सत्ता पक्ष को देखकर पानी पी पीकर विपक्ष को जो आप कोसते हैं, ये अच्छी बात नहीं है सभापति महोदय जी। अच्छी बात तो खैर ये भी नहीं है कि जिस आरएसएस से अपनी संलग्नता का बयान आपने खुद दिया था, आपका आचरण अधिकतर उसी से प्रेरित नजर आता है। आपको तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, उसको बचाना है, उसके संघार में थोड़ी आपको साक्षी बनना है या भागीदारी करनी है। आपके रवैये को देखकर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो विपक्षी सांसद हो, जो टोन है, जो टेनर है, बहुत दुख होता है, क्योंकि इससे पहले द हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा ने ऐसा रवैया कभी नहीं देखा है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल